Hello students, good afternoon all of you. In our last lecture we have studied up to the laboratory thermometer, okay? In today's lecture we will study about how the heat transfer, okay? Transfer of heat we will study in this lecture, okay? So this chapter is all about heat, okay? So heat को कैसे मेज़र करते हैं वो हमने देखा. अब heat जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक substance से दूसरे substance में transfer होता है. तो किस तरह से transfer होता है उसको हम study करेंगे. So you might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame, ठीक है? जब आप उसको flame के ऊपर रखते हो तो वो जो frying pan होता है जिसमें आप सब्ज़ी वगैरह फ्राई करते हो तो वो क्या होता है, हॉट हो जाता है, ठीक है, फ्लेम की वजह से. ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट की वजह से होता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स, ठीक है. जो भी आप यूटेंसिल यूज़ कर रहे हो उसमें जो है वो फ्लेम के थ्रू हीट जो है वो पास हो रहा है. व्हेन द पेन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब उस पेन को आप फायर से रिमूव करोगे इट स्लोली कूल्स डाउन, फिर वो धीरे धीरे जो है वो कूल डाउन हो जाता है. व्हाई डज इट कूल डाउन, अब वो कूल क्यों होता है, ठीक है. द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग्स, ठीक है. तो उस वो जो पेन जो गर्म था, हॉट था, उसको हम फायर के कॉन्टेक्ट से हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो हीट जो है वो सराउंडिंग में, ठीक है, आसपास के एरिया में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. इस वजह से वो पेन जो होता है वो कूल डाउन हो जाता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि हमारा सराउंडिंग होता है वो कूल होता है और पेन जो था वो हॉट था, इसलिए हॉट से कोल्डर और कूलर ऑब्जेक्ट में जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती, ठीक है. और फ्लेम जो थी वो हॉट थी और फ्राइंग पैन जब हमने फ्लेम पे रखा तब तो वो कूल ही था, लेकिन बाद में फ्लेम से जो हीट है वो फ्राइंग पैन में ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि फ्लेम जो थी वो हॉट थी और फ्राइंग पैन जो है वो कूल था, इसलिए हॉट टू और हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट हीट कैन ट्रांसफ़र, ओके. इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेन और फ्लेम के केस में ऐसा हुआ है, बल्कि सारे ऑब्जेक्ट में जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होती है. सो हाउ डज़ हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट. हीट किस तरह से फ्लो होती है वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. सो बिफोर दैट पहेली आस्क वन क्वेश्चन, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट be transferred if the temperature of two objects is same. मतलब मान लो कि दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट पास होगी या नहीं, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे. सो फॉर दैट वी विल डू द एक्टिविटी 4.6. टेक अ रोड और अ फ्लेट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल. सो यू हैव टू टेक अ रोड और फ्लेट स्ट्रिप. अगर आपके पास रोड नहीं है तो आप फ्लेट स्ट्रिप ले सकते हो मेटल का, ठीक है, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम या आयरन जो भी आपको मिले वो ले सकते हो. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रोड, ठीक है, तो वैक्स पीसेज रोड पर आपको जो है वो फिक्स करने. देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर रोड के ऊपर वैक्स पीसेस फिक्स किए गए हैं थोड़े पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है. दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस पे आपको ये पीसेस रखने हैं, ठीक है. सो आप इसकी वजह से मेजरमेंट ले सकते हो और वहाँ पे जो है वो आपको वैक्स के पीसेस रखने हैं. एंड देन यू हैव टू क्लैंप द रोड, ठीक है, आपको रोड को क्लैंप करना है टू अ स्टैंड, ठीक है, ये एक स्टैंड बना दिया है, ठीक है, इससे क्लैंप कर दिया है मतलब लटका दिया है एकदम सीधा, मतलब हॉरिजॉन्टल, ओके. इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, आपको स्टैंड नहीं मिल रहा है, तो यू कैन पुट वन एंड ऑफ रोड बिटवीन ब्रिक्स, आप ब्रिक के बीच में भी रोड के एंड को रख सकते हो, ठीक है. स्टैंड नहीं मिलता है तो हम कोई भी जो है वो घरेलू जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है. सो एज़ वी आर इंडियंस तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप ब्रिक के बीच में जो है जो ये रोड को सेट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल. नाउ हीट ऑफ हीट द अदर एंड, ठीक है, दूसरे एंड को हीट करना है, क्योंकि एक एंड तो हमने ब्रिक के बीच में डाल दिया है, तो दूसरे एंड को जो है वो आपको हीट करना है. एंड
नाउ हीटर एंड रोड एंड ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व करना है आपको हीट करने के बाद, और जब हीट हो रहा है तो भी आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे जो है वो हीट हो रहा है, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस, तो फिर वैक्स पीसेस का क्या हो रहा है, ठीक है, तो वैक्स पीसेस जो है वो मेल्ट हो जाएंगे ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम, ठीक है. नाउ डू दीज पीसेज बिगिन टू फॉल, ठीक है, फिर वो मेल्ट होने के बाद थोड़ी ना रोड पे रहेंगे, वो जो मेल्ट होने के बाद जो है वो ग्राउंड पे फॉल हो जाएंगे. विच पीसेज फॉल्स द फर्स्ट, अब कौन से पीसेज फर्स्ट फॉल हुए वो आपको नोट डाउन करना है. सो डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, ठीक है, तो फ्लेम के ज़्यादा नियरेस्ट जो मतलब वैक्स पीस है वो पहले मेल्ट होगा क्योंकि हीट उसमें पहले पास होगी, ठीक है, फिर जो है वो धीरे धीरे अदर पीसेस के पास जाएगी, लास्ट में जो पीस है वो सबसे लास्ट में मेल्ट होगा क्योंकि हीट जो है वो फ्लेम का हीट उसके कैंडल फ्लेम का हीट उसके पास सबसे लास्ट में पहुंचेगा, ठीक है. सो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो हीट है वो कोल्डर एंड से सॉरी हॉटर एंड से कोल्डर एंड में पास हो रही है, ठीक है, पहले ये एंड हॉट हो जाएगा उसके बाद ये वाला एंड तो कोल्डर है इसीलिए हॉटर टू कोल्डर एंड हीट विल ट्रांसफर. ओके, नाउ द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. अब ये एक तरह का प्रोसेस ही हो गया ना कि हीट जो है वो कोल्डर एंड से सॉरी हॉटर एंड से कोल्डर एंड में पास हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन. तो अब आपको बोलेंगे वॉट इज कंडक्शन, तो हाउ यू विल डिफाइन द कंडक्शन, द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड of an object is known as conduction. In solids generally the heat is transferred by the process of conduction. ठीक है, so mainly solid की अगर हम बात करें, solid object की बात करें, तो दो तरह के solid object होते हैं, उन दोनों में जो है वो hotter end से जो है वो colder end पे हीट ट्रांसफ़र होगी, तो उस प्रोसेस को कंडक्शन बोला जाता है. तो कंडक्शन प्रोसेस मेनली कहाँ पे होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है. सो डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सारे सब्सटेंस जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं इजीली, ज़रूरी नहीं है सारे करें, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे वही जो है वो हीट को इजीली कंडक्ट करेंगे. ओके, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटालिक पेन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा कि जो मेटालिक पेन होता है या फ्राइंग पेन होता है तो वो मेटल से बना होता है, लेकिन उसके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक या वुडन के, यानी कि लकड़ी या प्लास्टिक के बने रहते हैं. ठीक है, सो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पेन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट. ठीक है, तो क्या आप किसी पेन को मतलब ऐसे ही पकड़ सकते हो विदाउट हैंडल. ठीक है, उसका हैंडल नहीं होना चाहिए और या फिर उसका मेटालिक हैंडल होना चाहिए, तो क्या आप उसको अगर वो हॉट है बहुत ज़्यादा तो आप उसको हैंडल कर सकते हो होल्ड कर सकते हो, नो इट विल बर्न टू यू. ओके, नाउ वी विल डू सम अदर एक्टिविटी 4.7. ओके, हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून एंड प्लास्टिक स्केल पेंसिल एंड डिवाइडर. ठीक है, जिस तरह से इसमें कलेक्ट किए गए, ठीक है, आपको बहुत सारे जो है वो मटीरियल कलेक्ट करने हैं क्योंकि हम जो है वो कौन सा मटीरियल कंडक्ट करता है हीट को कि और कौन सा नहीं करता वो चेक करना चाहते हैं. तो ठीक है, इससे हम बहुत सारे जो है वो मटेरियल और आर्टिकल्स जो है वो कलेक्ट करेंगे. ठीक है, और फिर बाद में क्या करेंगे, डीप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर. ठीक है, फिर उस सारे मतलब ऑब्जेक्ट का जो है वो एक एंड हम हॉट वाटर में डीप कर देंगे. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट के लिए वेट करेंगे. देन टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3. ठीक है, ये टेबल 4.3 बनाया गया और आपको जो है वो अपना ऑब्जर्वेशन इस टेबल के अंदर एंटर करना है. जैसे कि आर्टिकल का नेम यहाँ पे स्टील स्पून, जब आपने मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड अप ऑफ, अब ये मटेरियल किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है. ठीक है, स्टील इज अ मेटल, तो स्टील स्पून मेटल से बना है. अब डज द अदर एंड गेट हॉट और नॉट. ठीक है, तो अगर हॉट होता है तो यस करना है क्योंकि वाटर में जब आप डीप करोगे इसका एक एंड, तो दूसरे एंड पे थोड़ी देर में हीट पहुँचेगा, एकदम इमिडिएटली जो है वो हीट नहीं पहुँचेगा. तो दूसरे एंड को जब आप टच करोगे तो वो हॉट होता है या नहीं, तो आपको यस और नो में
यहाँ पे टेबल में फिल करना है, ठीक है। फिर सेकेंड आर्टिकल लेना है, देन वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है वो लिखना है। देन यू हैव टू डीप इनसाइड द बीकर और हॉट वाटर, जिसमें बीकर में हॉट वाटर रखा है उसमें आप डीप कीजिए, एंड देन सेकेंड एंड उसका जो है वो आप टच करके देखिए कुछ मिनट्स के बाद, तो आपको जो ही हॉट मतलब होता है या नहीं हॉट फील होता है तो यस लिखना है, नहीं होता तो नो लिखना है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आप मटेरियल की कंडक्टिविटी चेक कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल कंडक्ट करता है या नहीं। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। जो भी मटेरियल वो हीट को पास करने देगा खुद से वो सारे क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे हीट के। फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर ये सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं हीट के। द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड, ठीक है। तो प्लास्टिक और वुड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर नोन एज इंसुलेटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो डेफिनेशन मिली है, द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, उसके एग्जाम्पल्स आपको शो किए गए हैं एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर, ठीक है। एंड द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड, एंड द पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स, ओके। Now the water and the air are poor conductors of heat, then how does the heat transfer take place in these substances, let us find out, ठीक है। आप सभी को पता है कि वाटर और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन फिर भी जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है, टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, फिर भी जो है वो इनमें हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस अकर होता है, बट वाई दिस हैपन्स, ओके। सो फॉर दिस वी विल डू एक्टिविटी 4.8। सो इन दिस एक्टिविटी टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क जिसका जो बॉटम है वो राउंड रहता है, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये फ्लास्क बोलते हैं इसको। सो इसका बॉटम क्या है, राउंड है, ठीक है, राउंड शेप में है। तो इस तरह का आपको फ्लास्क लेना है, एंड इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल तो आपको क्या लेना है, बीकर भी ले सकते हो, ठीक है, बीकर कैन बी यूज, बीकर आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिल इट टू थर्ड विथ वाटर, ठीक है, टू थर्ड उसका पार्ट जो है वो, यानी कि आधे से ज़्यादा जो है वो उसका पार्ट आपको क्या करना है, फिल करना है विथ वाटर, एंड प्लेस इट ऑन अ ट्राईपोड, उसको ट्राईपोड पे रखना है, ट्राईपोड यानी कि जिसके तीन थ्री पोड्स होते हैं, ठीक है, थीके? जिसको तिपाई बोलते हैं हिंदी में, तो ट्राईपोड में आपको जो है वो उसको प्लेस करना है, ठीक है, इसको फ्लास्क को, या फिर बीकर भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड देन यू और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, ठीक है। अगर मान लो ट्राईपॉड अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट कीजिए कि जिससे फ्लास्क जो है वो ईजीली जो है वो कैंडल फ्लेम से आप उसके अंडर उस कैंडल फ्लेम को सॉरी उसके अंडर आप कैंडल फ्लेम रख दो और इससे जो है वो हीट इजीली ट्रांसफ़र हो सके फ्लास्क के अंदर, इस तरह का अरेंजमेंट आपको करना है। नाउ वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, ठीक है, जब जो वाटर है वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, जब तक वाटर जो है वो फ्लास्क के अंदर है उस गर्म नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, ठीक है, आपको फिर बाद में क्या करना है, क्रिस्टल यूज़ करना है पोटेशियम परमैंगनेट का एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, फ्लास्क के बॉटम में आपको क्या करना है, स्ट्रो का यूज़ करके आपको उसके बॉटम पे पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल यूज़ करना है, ठीक है, और प्लेस करना है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल, ठीक है, अब वाटर को जो है वो हीट करना है एंड प्लेस प्लेसिंग द कैंडल, ठीक है, कैंडल को प्लेस करना है, उसके बाद उसको जो है वो उस कैंडल के फ्लेम से क्या करना है, वाटर को हीट करना है जस्ट बिलो द क्रिस्टल, ठीक है, उस क्रिस्टल के नीचे से, ठीक है। Now write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe, ठीक है, आप क्या observe करते हो उसका picture भी आपको
ड्रॉ करना है. सो व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. ठीक है, तो फ्लेम के नियर में जो वाटर होता है वो हॉट हो जाता है. ठीक है, एंड हॉट वाटर राइज अप. अब वो हॉट वाटर क्या होगा, राइज अप, ऊपर की तरफ आएगा. एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट. और फिर वो जो कोल्ड वाटर है वो क्या करेगा, मतलब जो भी हीट का सोर्स होगा वहाँ पे मूव करेगा. ठीक है, सो दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट. ठीक है, अब ये वाटर जो कूल वाटर होगा और कोल्ड वाटर होगा वो भी जो है वो हीट के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से और सोर्स ऑफ हीट के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से हॉट हो जाएगा एंड राइजेस अप. ओके, एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन. ठीक है, फिर साइड से जो है वो नीचे की तरफ वाटर मूव डाउन करेगा. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. तो ये प्रोसेस जिसको हम उबलना बोलते हैं. ठीक है, सो ये जो पानी का उबलना जो है, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक जो है वो वाटर पूरी तरह से हॉट नहीं हो जाता. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा कंडक्शन प्रोसेस ही हो, कन्वेक्शन प्रोसेस भी होता है. तो कन्वेक्शन एक ऐसा तरह, इस तरह का प्रोसेस है जिसमें जो है वो कोल्ड वाटर अपने आप जो है वो सोर्स ऑफ हीट की तरफ जाता है और फिर वो जो है वो सर्कुलेट होता रहता है हीट जो है वो इस तरह से. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हॉट सोर्स ऑफ हॉट खुद चल के जो है और खुद अपने आप से जो है वो हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट को और कोल्ड मॉलिक्यूल को पास करे. ठीक है, बट खुद जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं, वो वहाँ पे सोर्स ऑफ हीट के पास खुद चल के जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वोकेशन बोलते हैं. सो हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर. अब एयर में किस तरह से जो है वो हीट ट्रैवल करती है वो आपको देखना है. तो इन विच डायरेक्शन डज द स्मॉग गो, और कौन सी डायरेक्शन में स्मॉग, आप सभी को पता है एयर में स्मॉग होता है, तो वो स्मॉग जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, क्योंकि स्मॉग जो होता है वो हॉट ऑब्जेक्ट में काउंट होता है, तो वो एयर में ही ट्रांसफ़र होता है. बट वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो हमें कैसे पता चलेगा. सो द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस. ठीक है, तो हीट सोर्स यानी कि जो भी हॉट सोर्स होगा उसके एयर उसके कॉन्टेक्ट में और उसके पास में जो एयर होगी वो हॉट हो जाएगी और राइजेस यानी ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी. एंड एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस. ठीक है, और जो भी साइड में एयर होगी उस सोर्स के वो क्या होंगी, उसके प्लेस पे आएंगी. एंड इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरह से जो है वो एयर हीट होता है. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया. ठीक है, तो अब एक एक्टिविटी करनी है आपको जो कि इस आइडिया को कन्फर्म होगी. बट ये वाली जो एक्टिविटी है एयर में किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे. ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.